सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीमा ब्लॉग्स में। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोगड़ियों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज फिर से आपके सामने अपना नया व्लॉग लेके आ रही हूँ। और दोस्तों, व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो दोस्तों, अभी सुबह के काम सब कुछ निपट चुके हैं और मम्मी नाश्ता बना रही है और मुझे जाना है नहाने के लिए। तो मैंने बाल बाल तो खोल लिए हैं, तो अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और दोस्तों, एक चीज़ और बतानी है आपको। तो दोगड़ियों, आज है कुछ स्पेशल डे। स्पेशल डे बोले तो आज है मेरा बर्थडे। तो दगड़ियों, तो अभी मुझे नहाने के लिए जाना है। सबसे पहला काम जो बर्थडे वाले दिन होता है वो होता है नहाने का। उसके बाद थोड़ा सा पूजा पाठ करके चौन पिठा करते हैं, यानी कि मतलब माथा में टीका विका लगाते हैं। उसके बाद आगे प्रोसेस होता रहता है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं पार्टी का क्या होता है शाम तक। अभी तो कुछ सोचा नहीं है क्या करना है कैसा करना है। अभी तो फिलहाल नहाने जाना है मुझे और नहा धो के थोड़ा सा मंदिर में दिया बाती करती हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, आपको आगे देखने को मिलेगा ब्लॉग में। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिए और आपको मिलते हैं सीधे मैं नहाने के बाद, ठीक है? तब तक आप बाहर का मौसम देखिए और मैं नहा के आती हूँ, ठीक है? सो गाइज, आज का मौसम कुछ इस तरीके से है। तो पहले तो आप देखिए, पंचचूली बिल्कुल साफ है और यहाँ देख सकते हैं आप हंसलिंग में भी बिल्कुल भी बादल नहीं आए हैं आज, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक भी बादल नहीं आए हैं अभी। पूरा आसमान आज बिल्कुल साफ है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आज पंचचूली के भी और हंसलिंग के भी। और दोस्तों, सामने आपको दिख रहे होंगे ये सारे टेंट वगैरह सुखा रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे दादा जो हैं उनका टेंट वाला कारोबार है। तो उन्होंने सारे धोके रख दिए हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद बारातों के सीज़न आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी चल रही होगी, तो धोके सुखाने को डाले हैं यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पे आज गेहूं सुखाया है और यहाँ पे है उरी जो यहाँ पे ग्वाला बैठी है, क्योंकि बंदर वंदर काफ़ी आते हैं। सो गाइस, नहाना धोना भी हो चुका है और मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। और दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। तो अभी मुझे धोने हैं कपड़े। लड़कियों के तो ऐसे होते हैं, बर्थडे हो या कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। स्पेशल डे कभी भी नहीं होता है, मजे कभी भी नहीं कर सकते। तो अभी मुझे धोने हैं कपड़े। और तो दगड़ियो, अभी आए हैं हमारे वहाँ पे टोली बांटने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूँ। अरे यहाँ है दगड़ियो, ये है मोना और ये है अप्पू। ये लोग आए हमारे यहाँ पे टोली बांटने के लिए। ये देख सकते हैं आप, इसमें आलू और पूरी। ये अभी पूरे गाँव में जाएगी बांटने के लिए, अभी हमारे घर पे आई है। तो इससे मैं भटोली लेती हूँ, ठीक है? तो गड़ियों, मैंने यहाँ पे प्लेट ले लिया है, अब लेते हैं इसमें भिटोली हमारे हिस्से की। तो ये हमारे हिस्से की भिटोली दे दी है मोना ने। और कहाँ कहाँ जाने वाले हो, कहाँ कहाँ दे दी? गांव में अभी तो शुरुआत है। अच्छा, शुरुआत है। अच्छा, अभी पूरी गांव में जाएंगे, ये पूरा परात का पूरी आलू सब खत्म करके आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चाय पी के जाओ फिर। आना फिर बांट के आना, ठीक है? तो गड़ियों, मैंने आलू पूरी ले लिया है, इसको रखते हैं यहाँ पे। अभी चले गए हैं भिटोली वाले दूसरे घर में, हमारे बगल वाले घर में। ऐसे करते करते पूरे गांव में जाएंगे, जैसे कि मोना ने बताया। तो यस दोस्तों, मेरे को धोने हैं कपड़े, तो मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में कपड़े धोने के बाद, ठीक है? कपड़े वपड़े धोने के बाद खाना पीना भी हो चुका है और अभी लगभग दिन के 2:30 बज चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेके आए थे बाजार से, तो बैलून वैलून फुलाना था, तो अभी हम उसको फुला लेते हैं। और यहाँ पे देखो, यस भी लगा हुआ है। तो यस दोस्तों, डेकोरेशन कर लेते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीमा ब्लॉग्स में। और आज मेरी दीदी का बर्थडे है, और जो कि हम छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं। और अभी हम दो लोग गुब्बारे खिला रहे हैं, ये भी खिलाया जाता है ना, पर इस गुब्बारे ही नहीं खिल रहे हैं। डेकोरेशन का काम भी हो चुका है, तो अभी आपको दिखाते हैं कितना कैसा हमने डेकोरेट किया है घर को। ज़्यादा कुछ तो किया ही नहीं, बस गुब्बारे से ही सजाया है, तो आपको दिखाते हैं, ठीक चू? तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है बर्थडे के लिए मेरे। यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया है, तो यहीं पे हमने थोड़ा सा बैलून से और यहाँ पर डेकोरेट किया है। तो अभी आप ये देख सकते हैं। Oh,
बाद सीधे अभी आपको तैयार वगैरह होने के बाद और थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया जो भी आएंगे मेरे दोस्त वगैरह उनके लिए, मतलब खाना बोले तो चाय पानी बनाया और उसके बाद अभी मैं रेडी हो गई हूँ और आपको रेडी होने के बाद मिल रही हूँ। तो झगड़ियों अभी कोई भी नहीं आया है, थोड़ी देर में जैसे सब लोग आ जाते हैं तो केक कट करेंगे और आपको मिलते हैं सीधे जब हम केक कटिंग करेंगे तब। ठीक छू सो गाइज अभी सभी लोग आ चुके हैं, वैसे सभी तो नहीं आए हैं, एक दो चार रह गए हैं अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो दोस्तों टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 6:30 हो चुके हैं, तो अभी केक कटिंग करते हैं। तो चलो दोस्तों कटते हैं केक कटिंग। ठीक छू कटिंग भी हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे फेस की हालत कैसे कर दी है। तो झगड़ियों अभी सभी लोगों को खाना पीना खिलाते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में जब डांस का प्रोग्राम चलता है। तो झगड़ियों यहाँ पे अभी डांस खाने के बाद डांस का प्रोग्राम चल रहा है। अभी पार्टी भी खत्म हो चुकी है और अभी लगभग रात के 8:30 हो चुके हैं, सब लोग अपने घर को चले गए और पार्टी भी आज की समाप्त हो चुकी है। होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं सीमा आप लोगों से विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।